बैंक के सामने समिति कर्मियों ने धरना दिया, जहां संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को दोहराया। कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन करने वाले संयुक्त जिला अध्यक्ष ईश्वर श्रीवास ने बताया कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश में सहकारी कर्मचारी दो बार आंदोलन कर चुके हैं, इसके बावजूद अब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो पाई है। राजनांदगांव, डोगरगांव, लाल बहादुर नगर, खुज्जी के शाखा प्रबंधों के अडियल रिवर के चलते बाकी कर्मचारियों को लाभ मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। कर्मचारियों ने 3 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। सहकारी समिति के कर्मचारी हैं और ये राजनांदगांव से सफर 222 सहकारी समिति कवर्धा से लेके गंडई, भैरागढ़, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव और उसमें लगभग हम लोग 1500 कर्मचारी काम करते हैं और बैंक से संबंध है। हम लोग विगत एक वर्ष से जो हमारी मांग चले आ रही है, गत दिवस प्रदेश में 2 बार हड़ताल हुआ, हम लोग यहाँ के चेयरमैन जो माननीय नवाज खान जी था कि उन लोगों ने कहा कि आप लोगों की मांग, मैं जिला स्तर पर जो मांग है हमारी एक अंतरिम राहत की मांग है, छोटे कर्मचारी हैं जिनका बमुश्किल 2 से 2500 3000 बढ़ाना है और वो भी सोसाइटी से मिलेगा, बैंक को किसी प्रकार का भार नहीं आएगा न सरकार को नहीं आएगा, हम अपने ही कमाते हैं और अपने संस्था से लेते हैं। तो बहुत से सारे जगह में चेयरमैन के पहल से हो भी गया, लेकिन मैं जैसे कहा बैंक मुख्यालय जो राजनांदगांव है जहाँ के शाखा प्रबंधक है प्रशांत वाजपेयी।